वास्तु शास्त्र में नमक के प्रयोग का विशेष महत्व माना गया है। वस्तु के अनुसार नमक में गजब की शक्ति होती है, जो न केवल आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि भी लाता है। नमक का इस्तेमाल नजर दोष उतारने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है, तो एक चुटकी नमक लेकर 3 बार उसके ऊपर से घुमाकर बाहर फेंक दें। इससे नजर दोष खत्म हो जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार शीशे के प्याले में नमक भरकर शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। नमक और शीशा दोनों ही राहु के वास्तु हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करते हैं। राहु नकारात्मक ऊर्जा और कीटाणुओं का भी कारक माना गया है, जिनसे घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शीशे के बर्तन में नमक भरकर घर के किसी कोने में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राहु केतु की दशा चल रही हो या जब मन में बुरे बुरे विचार या डर पैदा हो रहे हो, तब ये प्रयोग बहुत लाभ देता है। नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में किसी बुरी ताकत का प्रवेश नहीं होता। कारोबार में उन्नति के लिए अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर और तिजोरी के ऊपर लटकाना लाभदायक माना गया है। नमक के इस तरह से इस्तेमाल करने से कारोबार में फायदा होता है, व्यक्ति अमीर होता जाता है। हफ्ते में एक दिन पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर बच्चों को नहलाएं तो नजर दोष से बच्चे बचे रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी।